नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन में। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में गुरुवार को कई बड़े फैसले लिए गए। मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि 16 जिलों में पीपी मॉडल के आधार पर मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इसके लिए जिलों के नाम भी तय हो गए हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी गंगा एक्सप्रेसवे के RFQ और RFP को भी मंजूरी मिल गई है। साथ ही ललितपुर में एयरपोर्ट बनाया जाएगा, क्योंकि वहां डिफेंस कॉरिडोर भी बन रहा है। तो आज कैबिनेट में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। गंगा एक्सप्रेसवे के RFQ और RFP को भी मंजूरी मिली है। इसके अलावा किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात सरकार लेकर आई है। इसके अलावा तमाम रोजगार को भी बढ़ावा देने के लिए भी फैसले लिए गए हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि ये विशेष कैबिनेट बैठक और इसमें कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। आपको बता दें कि योगी सरकार ने करीब 4.5 साल से ज़्यादा का वक्त पूरा कर लिया है और अब 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में योगी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। जितना हो सके उतनी कोशिश कर रही है जनता के बीच पहुंचने की, जनता के लिए योजनाएं लाने की, और जनता के लिए जो प्रस्ताव सामने आ रहे हैं, जो जनता के हित में हैं, जो प्रदेश के हित में हैं, उनको भी लगातार मंजूरी दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अगले साल की शुरुआत में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में 2017 की तरह बीजेपी के पक्ष में चुनाव परिणाम आने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव की लड़ाई होने वाली है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में ही लड़े जाने की बात करते हुए उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का फैसला केंद्रीय नेतृत्व और निर्वाचित विधायक ही करेंगे। तो एक बहुत बड़ा बयान ये माना जा रहा है केशव प्रसाद मौर्य का, जहां पर उन्होंने कहा कि सीएम का फैसला केंद्रीय नेतृत्व और निर्वाचित ही कर सकेंगे। यानी ये कहा जा सकता है कि भले ही आने वाला विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ा जाना है, लेकिन अभी कुछ भी साफ नहीं है। जो फैसला होगा वो केंद्रीय नेतृत्व और निर्वाचित विधायक ही करेंगे। इससे ये जरूर दिख रहा है कि भले ही बीजेपी ये कहने की कोशिश कर रही हो कि योगी आदित्यनाथ ही अगले चेहरे होंगे, लेकिन आगे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बदलाव हो सकता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। ऐसे में यूपी पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है और हम यूपी में पिछले 4.5 सालों से सरकार चला रहे हैं। हमने जनता के लिए बेहतरी का काम किया है, जनता के हित में काम किया है, और योगी आदित्यनाथ को जनता बहुत ज़्यादा पसंद भी करती है। ऐसे में उनके नेतृत्व में चुनाव तो लड़ा जाएगा, लेकिन सीएम के फैसले पर केंद्र नेतृत्व और जो विधायक निर्वाचित होंगे वो ही फैसला ले सकते हैं। तो लखनऊ से ये केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि सीएम का फैसला केंद्र नेतृत्व और निर्वाचित ही करेंगे। विश्व हिंदू परिषद की एटा में हुई ब्रज प्रांत की बैठक में केंद्रीय महामंत्री सुरेंद्र जैन ने कई घोषणाएं की। उसमें मैनपुरी से सुमित चौहान को जिलाध्यक्ष घोषित किया गया, जिसके बाद सुमित चौहान ने अपना कार्यभार ग्रहण किया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उसका मैं पूरी ईमानदारी से पालन करूंगा और आने वाले भविष्य में मेरी पूरी कार्यशैली और प्राथमिकता गाँव स्तर पर विश्व हिंदू परिषद के संगठन को बेहतर तरीके से मजबूत करना होगा, मजबूती प्रदान करने की ही लगातार होगी। तो मैनपुरी में विहिप के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सुमित चौहान का बड़ा बयान सामने आया, कहा कि संगठन को गांव स्तर पर मजबूत किया जाएगा। तो मैनपुरी से खबर सामने आई है, जहां पर विहिप के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सुमित चौहान का ये बयान, कहा कि जो पदभार मुझे दिया गया है, जो कार्यभार मैंने ग्रहण किया है, उसकी मैं हमेशा इज्जत करूंगा, साथ ही साथ पूरी तरीके से ईमानदारी से काम करूंगा, संगठन में लगातार गांव के हित में काम होते रहेंगे और गांव स्तर तक इसे मजबूती दी जाएगी। दरअसल विश्व हिंदू परिषद के एटा में ब्रज प्रांत की एक बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय महामंत्री सुरेंद्र जैन ने कई घोषणाएं करी। उसमें मैनपुरी से सुमित चौहान को जिलाध्यक्ष घोषित किया गया, जिसके बाद सुमित चौहान ने अपना कार्यभार भी ग्रहण किया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारियां मुझे दी गई हैं उसका मैं पूरी ईमानदारी से पालन करूंगा, आने वाले भविष्य में मेरी जो पूरी कोशिश रहेगी कि कार्यशैली जो है उसको प्राथमिकता दी जाए और प्राथमिकता गांव स्तर पर विश्व हिंदू परिषद के संगठन को भी बेहतर तरीके से मजबूती प्रदान करने की ही होगी। 28 तारीख को जनपद एटा में
ब्रज प्रांत की बैठक में केंद्रीय महामंत्री सुरेंद्र जैन जी के द्वारा पूरे प्रांत की नवीन घोषणाएं हुई, उसमें मुझे मैनपुरी जनपद का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया। हमारी प्राथमिकता सबसे पहले विश्व हिंदू परिषद को गांव स्तर तक मजबूत करने की रहेगी। अभी स्थापना वर्ष के कार्यक्रम है, कल मैनपुरी नगर का स्थापना वर्ष का कार्यक्रम अपने एकरसानंद आश्रम में सत्संग हॉल में रखा गया है। हम लोगों की योजना एक एक ग्राम पंचायत पर समिति का गठन अक्टूबर तक करना है और इन कार्यक्रमों के बाद स्थापना वर्ष के कार्यक्रम 1 तारीख से जो शुरू हुए हैं और 6 तारीख तक चलेंगे, इन कार्यक्रमों के बाद संगठन को गांव स्तर पर मजबूत करने के लिए जो लोग जिले की टीम में लिए गए हैं सभी का प्रवास तय किया गया, सभी लोग प्रवास पर रहेंगे और अक्टूबर तक गांव समिति तक विश्व हिंदू परिषद का गठन करना है। भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने गोंडा में विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी सांसद ने बसपा पर हमला बोलते हुए कहा है कि ये पार्टी सामाजिक समरसता की बात करती है, लेकिन आज भी जब कोई भी बहन जी से मिलने जाता है तो बिना पांव छुए उनसे कोई मिल नहीं सकता। उन्होंने कहा है कि बिना पैसे दिए बसपा में टिकट नहीं मिलता, इस बार उनका टिकट करोड़ों में ना बिककर कुछ कम दामों में बिकेगा। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि अखिलेश यादव के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो वैक्सीन, मलेरिया, डेंगू और अन्य मुद्दे उठा रहे हैं। राजनीति पार्ट टाइम नहीं होती, उसको परमानेंट करने के लिए मुद्दे होने चाहिए। केंद्र प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और आगामी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने वाली है। बीजेपी सांसद को टोक्यो ओलंपिक जो पदक भारत को मिले हैं उससे कहीं अधिक की अपेक्षा थी। सांसद अपेक्षा पूरी न होने से दुखी हैं। तो गोंडा में ये महत्वपूर्ण बयान जो है वो सामने आए हैं। बीजेपी सांसद ने बसपा और सपा दोनों पर निशाना साधा है, साथ ही कहा है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है और आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में भी बीजेपी परचम लहराने जा रही है। तो गोंडा की खबर सामने आई है जहां पर लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने गोंडा में विरोधियों पर जमकर निशाना साधा, विफल पड़े और कहा कि बसपा लगातार समरसता की बात करती है, सामाजिक दायित्वों की बात करती है, लेकिन आज भी जब कोई बहन जी यानी कि मायावती से मिलने जाता है तो बिना पांव छुए उनसे कोई मिल नहीं सकता। वो आगे कहते हैं कि बिना पैसे दिए बसपा में टिकट भी नहीं मिलता है, लेकिन इस बार उनका टिकट करोड़ों में नहीं बिककर कुछ कम दामों में बिकेगा। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि अखिलेश यादव के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो वैक्सीन, मलेरिया, डेंगू तमाम मुद्दे उठा रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि राजनीति पार्ट टाइम नहीं होती है, उसको परमानेंट करने के लिए मुद्दे भी चाहिए होते हैं। केंद्र प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, आगामी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने वाली है। बीजेपी सांसद को टोक्यो ओलंपिक में जो भारत को पदक मिले हैं उससे कहीं ना कहीं अपेक्षा हुई है, वो ये चाहते हैं कि इससे ज़्यादा पदक भारत जीतता तो उन्हें ज़्यादा खुशी होती, लेकिन अभी जितने पदक जीते हैं भारत ने वो उसे संतुष्टि कर रहे हैं, लेकिन मन उनका दुखी है। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी और जो लोग भी ये दिखाई पड़ रहे हैं परिणाम आने पर ये अपने घर में बैठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि राजनीति पार्ट टाइम नहीं चलती है, एक स्पष्ट एजेंडा होना चाहिए, स्पष्ट विचारधारा होना चाहिए और एक कार्य योजना होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में स्पष्ट विचारधारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सहारनपुर में हस्तशिल्प कारीगरों ने सरकार को अपनी मांगों से अवगत कराते हुए नगर मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा है। इसके उपरांत मंडी समिति रोड स्थित एक सभागार में पत्रकारों से वार्ता के दौरान सीआर क्षेत्रीय समिति सदस्य ने बताया कि उनकी तरफ से पहले भी सांसद फजल रहमान को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं से अवगत कराया गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि हस्तक्षेप क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का कुटीर क्षेत्र होने के कारण महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों सहित 70 लाख से ज्यादा कारीगरों को रोजगार प्रदान करता है। वो कहते हैं कि सरकार को हम चुनौती देते हैं, अगर जल्द ही हस्तक्षेप कारीगरों की समस्याओं का निस्तारण नहीं हुआ तो धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। सहारनपुर से खबर सामने आई जहां पर हस्तशिल्प निर्यातों ने नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है, सरकार को अपनी मांगों से भी अवगत कराया। उनका कहना है कि पहले भी हम लगातार अधिकारियों से बात कर चुके हैं, ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन इस पर कोई भी
कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई भी हमारी बात नहीं सुन रहा है। सहारनपुर से खबर सामने आई है जहां पर हस्तशिल्प कारीगरों ने अपनी मांग सरकार के सामने रखी है। उन्होंने सरकार को अपनी मांगों से अवगत कराते हुए नगर मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन भी सौंपा है। इसके उपरांत मंडी समिति रोड स्थित एक सभागार में पत्रकारों से वार्ता के दौरान सीआर क्षेत्रीय समिति सदस्य ने बताया कि उनकी तरफ से पहले भी सांसद को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं से अवगत कराने की कोशिश की गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हस्तशिल्प क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का कुटिल क्षेत्र होने के कारण महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों सहित 70 लाख से ज्यादा कारीगरों को रोजगार देता है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही हस्तक्षेप निर्यातकों की समस्याओं का निस्तारण नहीं हुआ तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा और हमारी जो मांगे हैं वो मानी जानी चाहिए। अगर मांगे नहीं मानी जाती तो फिर जोरदार प्रदर्शन किया जाना है। आज जो है प्रेस वार्ता, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को जो इंसेंटिव मिल रहा था वो इंसेंटिव सरकार ने WTO में कंपेटेबल ना होने की वजह से वापस ले लिया, जो एक उचित उनकी बात थी जिसको हम सब लोगों ने एक्सेप्ट किया। ये 31 दिसंबर 2020 की बात है। तब सरकार ने हमें ये भी आश्वासन दिया कि हम आपको जो आप टैक्सेस दे रहे हैं, जो आप ड्यूटीज दे रहे हैं, वो आपको रीएम्बर्स करेंगे। लेकिन बहुत समय बीत जाने के बाद भी जब सरकार ने ये नहीं दिया, हम लोगों ने, एक्सपोर्टर्स ने और हमारी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस ने और सहारनपुर की हैंडीक्राफ्ट की जो एसोसिएशन है जिसकी गुड्डू भाई महासचिव है उन्होंने और क्लस्टर जो बनने जा रहे हैं उन सब ने, हम लोगों ने मिलकर जब सरकार से बात की, EPCI ने जब प्रेशर डाला तो उन्होंने इसका अनाउंस तो किया लेकिन वो सिर्फ 0.3% 1.2%, वो इतना नेग्लिजिबल है कि उसको मिलने या ना मिलने का कोई औचित्य या कोई लाभ नहीं है। जबकि हमारा सिंपल ये कहना था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, जो टैक्स हम दे रहे हैं, जो हमारा अधिकार है, वो हमें वापस लीजिए। अभी जो सरकार ने हमें इंसेंटिव मिल रहा था, पहले ही हमें 10 से 15% मिलता था, अब काफ़ी साल से 5-6% या 7% तक मिल रहा था, जिसे घटाकर अब 1.5% या 1% या 0.5% कर दिया गया है। इस रोड टैप दरों के विरोध में हमने आज DM साहब को भी ज्ञापन दिया है और इससे पहले हम इसके लिए अपने माननीय सांसद हाजी फजलुर रहमान जी से भी मिले थे। उन्होंने इस विषय में पीयूष गोयल जी से बात की और सीतारमन जी को भी लेटर निकाला है। शायद अगले महीने का हमें वक्त भी दिया है पीयूष गोयल जी ने इस पर बात करने के लिए। लेकिन हमारी आप लोगों के माध्यम से एक ही मांग है कि हमारा हक हमें दिया जाए और जो हमारी साथ अन्याय हो रहा है वो अन्याय ना हो, न्याय हमें मिलना चाहिए। सिद्धार्थनगर के नगर पंचायत उसका बाजार के कोड़ा नदी से सटे लगभग 7 वार्ड बाढ़ की पानी की चपेट में हैं। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा है, राशन तक नहीं बचा है। करीब हफ्ते भर से लोग इस तरह की परेशानी लगातार झेल रहे हैं लेकिन प्रशासन की ओर से कोई राहत सामग्री नहीं पहुंचाई गई है और ना ही उनकी सुध लेने वाला कोई है। ऐसे में नगर पंचायत बाजार के अध्यक्ष, प्रतिनिधि और समाजवादी वरिष्ठ नेता सुरेश यादव ने पीड़ितों के घर राहत सामग्री पहुँचाने का बीड़ा उठाया। आपको बता दें कि नगर पंचायत उसका बाजार में लगभग 400 घरों में जाकर समस्याओं को सुन रहे हैं और राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। राहत सामग्री पाकर नगर पंचायत वासियों ने खुशी की लहर देखने को मिल रही है। तो सिद्धार्थनगर का एक पूरा मामला है जहां पर बाढ़ बारिश की वजह से लोगों के घरों में पानी घुस गया है। ऐसे में जो राशन है वो भी लोगों के घरों में नहीं बचा है। जो राशन था वो बाढ़ के पानी से पूरी तरह से खराब हो चुका है। ऐसे में लोग लगातार न्याय की गुहार लगा रहे थे और ये प्रशासन से कहते हुए नजर आ रहे थे कि उन्हें राहत सामग्री मिलनी चाहिए लेकिन राहत सामग्री उन तक नहीं पहुंच पा रही थी। दरअसल सिद्धार्थनगर के नगर पंचायत उसका बाजार के कूड़ा नदी से सटे लगभग 7 वार्ड ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं, या ये कहें कि बाढ़ के पानी की चपेट में हैं। लोगों के पास खाने के लिए घरों में राशन भी नहीं बचा है। एक हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो गया है और लोग इसी तरह से परेशान हैं लेकिन प्रशासन की ओर से कोई राहत सामग्री नहीं दी जा रही है और ना ही उनकी कोई सुध लेने वाला है। ऐसे में नगर पंचायत बाजार के अध्यक्ष, प्रतिनिधि और समाजवादी के वरिष्ठ नेता सुरेश यादव ने पीड़ितों के घर राहत सामग्री पहुंचाने का बीड़ा उठा लिया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि नगर पंचायत उसका बाजार में लगभग 400 घर ऐसे हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, इस परेशानी से जूझ रहे हैं। उनके घर में जाकर समस्याओं को सुना जा रहा है, राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। राहत सामग्री पाकर नगर पंचायत वासियों में खुशी की लहर देखने के लिए मिल रही है। तो बाढ़ का कहर लगातार बढ़ रहा है, इससे लोगों की परेशानियां भी लगातार बनती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है और नगर पंचायत अध्यक्ष हमारी पत्नी है। क्या मामला है जो राहत सामग्री बांट रहे हैं? यहाँ एक हफ्ते से बाढ़ आई हुई है,
और हजार में पानी घुसा हुआ है, आप देख ही रहे हैं। तो हमारा आद्या नगर मोहल्ला, आजाद नगर, लोहिया नगर, सुभाष नगर और फिर कृष्णा नगर का दो टोला चौबाया और अहरवा, और लगभग कम से कम 400 घर तो प्रभावित होंगे ही। अब तक कितना राहत सामग्री बांट चुके हैं? बांट रहे हैं, सबको बांटेंगे। क्या है राहत सामग्री में? 10 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 1 किलो दाल है, 3 किलो आलू है, 1 किलो प्याज है, आधा किलो कड़ुआ तेल है, 1 किलो नमक है, यही सब है। फरुखाबाद के थाना नवाबगंज क्षेत्र में एक युवक चौमिश खां को ग्रामीणों ने जंजीर से पेड़ में बांध दिया और युवक की जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक करीब 8 घंटे तक जंजीरों से युवक को पेड़ से बांधे रखा। ग्रामीणों के समझाने के बाद युवक को पुलिस को सौंपा गया। ग्रामीणों का आरोप है कि चौमिश बंद घर को दीवार फांद कर घुसा और यहाँ पर स्टेबलाइजर यानी कि चोरी करने के लिए आया था और ये कोशिश की उसने। अंधेरा होने पर उसने लाइट जलाने के लिए दीवार पर लगे बिजली के बोर्ड का बटन दबाया। गलत बटन दबाने से सबमर्सिबल शुरू हो गया। घर से पानी बहने पर पड़ोसी ने जब टॉर्च जलाकर बंद मकान में अंदर झांक कर देखा तो चौमिश सोलर पैनल और स्टेबलाइजर पकड़े घर में खड़ा था। इसके बाद मोहल्ले के लोगों ने उसको बाहर निकालकर उसके पैरों में जंजीर डाल दी और पेड़ से बांध दिया और जमकर मार पिटाई की, जिसका वीडियो किसी ने बना लिया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। फरुखाबाद से खबर सामने आई है जहां पर पेड़ से बांधकर ग्रामीणों ने युवक को जमकर पीटा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। ग्रामीणों ने युवक पर चोरी का आरोप लगाया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और युवक को ग्रामीणों से छुड़ाया, साथ ही साथ अपने साथ ले आई है। जहाँ एक तरफ देश में कोरोना फैला है तो वहीं प्रदेश में कोरोना से ज्यादा तो जहरीली शराब फैल चुकी है। जी हाँ, आए दिन उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब के मामले बार बार आ रहे हैं, जहाँ युवा भी जहरीली शराब की चपेट में आ रहे हैं। अगर यही आलम रहा तो ये जहरीली शराब धीरे धीरे हर युवा को अपनी गिरफ्त में ले लेगी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जहरीली शराब से मौत का तांडव लगातार जारी है। जहरीली शराब से 1.5 दर्जन से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन अब तक पुलिस और आबकारी विभाग गहरी नींद में है। वहीं आगरा के निबोरा थाना क्षेत्र में खुलेआम देसी शराब बेची जा रही है, बनाई जा रही है। अवैध शराब की बिक्री लगातार सामने आ रही है और इसका एक वीडियो भी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। तो आगरा में पिछले कई दिनों से जहरीली शराब का जो मामला है वो ठंडा नहीं हो रहा है। जहरीली शराब पीने से कई लोगों की जान जा रही है और इसकी वजह से लोग जो हैं वो पूरी तरह से त्रस्त हैं। ग्रामीण परेशान हैं क्योंकि युवा जो हैं वो लगातार इसकी लत में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, अवैध तरीके से यहाँ पर जो शराब है वो बेची जा रही है। तो ये वीडियो किसी ने बना लिया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। करीब बीते हफ्ते में 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों की जहरीली शराब पीने से जान चली गई है और सिर्फ आगरा ही क्यों, उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर इस तरह से अवैध शराब बनाई जा रही है, अवैध शराब बेची जा रही है और अवैध शराब को खरीदा भी जा रहा है, जिसकी वजह से परिवार उजड़ रहे हैं। लेकिन प्रशासन और आबकारी विभाग जो है वो गहरी नींद में सोया हुआ नजर आ रहा है। कोई भी मामला सामने आता है प्रशासन कार्रवाई की बात करता है, लेकिन कुछ दिनों बाद ही मामला जो है वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। फतेहगंज के पश्चिमी कस्बे के मुख्य बाजार में एक बिल्डिंग निर्माण के लिए बेसमेंट की खुदाई करते समय 2 मंजिला इमारत ढह गई। इमारत ढहने से खुदाई कर रहे कई लोग मलबे में दब गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स ने जेसीबी लगाकर लोगों को निकालने की कोशिश की। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की 2 एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंच गई। बता दें कि 2 मंजिला इमारत के मलबे में दबे 3 मजदूरों में से 2 की मौत हो गई तो वहीं 1 घायल हुआ है। करीब 7 घंटे तक चले रेस्क्यू में 3 मजदूरों को निकाला गया। तो बरेली का एक बड़ा मामला है जहां पर 2 मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। दरअसल बेसमेंट की खुदाई हो रही थी और इसी दौरान 2 मंजिला इमारत ढह गई, इसमें कई मजदूर दब गए। मौके पर पहुंची पुलिस और राहत बचाव की टीम, जिसके बाद आसपास के लोगों ने भी यहां पर लोगों को निकालने की कोशिश की है। 3 मजदूरों को निकाला गया जिनमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई थी। तो बरेली में ये बड़ा हादसा हो गया जहां पर मलबे में दबने से 2 मजदूरों की जान चली गई है। दरअसल 2 मंजिला इमारत में बेसमेंट में खुदाई चल रही थी, काम चल रहा था, ऐसे में 2 मंजिला इमारत भरभराकर नीचे गिर गई और मलबे में कई मजदूर दब गए, कईयों को बाहर निकाला गया।
अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इनमें से दो की जान चली गई है। कस्बा फतेहगंज बस्ती में एक दुकान जो है बन रही थी, उसी दुकान के बगल में एक दो मंजिला मकान था जो आज गिर गया। उसमें कुछ लोग इंजर्ड हो गए, तीन लोगों को इसमें साधारण चोटें आई हैं और तीन लोगों के मलबे में दबे होने की सूचना थी, जिसके संदर्भ में SDRF की मदद ली, स्थानीय प्रशासन की मदद ली, पूरा नगर पंचायत और PSC फायर सर्विस आदि की मदद ली गई और रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया गया है। इसमें तीनों लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जिसमें एक व्यक्ति की हालत क्रिटिकल है, एक व्यक्ति ठीक है और दूसरे व्यक्ति का भी इलाज चल रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी पवन मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? एक इमारत जिसमें बेसमेंट में खुदाई का काम चल रहा था, कई मजदूर दब गए, कितनों को निकाला जा चुका है, कितनों की हालत गंभीर है? हेलो, हेलो पवन, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मैं सुन पा रहा हूँ, बताइए मैम। पवन, दो मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा हुआ है, कई मजदूर दब गए हैं, कितनों को निकाला गया है और कितने लोगों की हालत गंभीर है? बिल्कुल पवन, आपकी आवाज मुझ तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, हम दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, फिलहाल के लिए शुक्रिया। तो बरेली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बेसमेंट की खुदाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया है, दो मंजिला इमारत जो है वो गिर गई और इमारत गिरने से बड़ा हादसा हो गया, कई मजदूर इसमें दब गए हैं। राहत बचाव की टीम मौके पर पहुंची है और एम्बुलेंस के माध्यम से सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनमें से दो मजदूरों की मौत हो गई है। मथुरा के हृदय गांव में एक नाबालिग की मौत के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि टीचर ने 12 साल के बच्चे की सिर्फ इसलिए पिटाई की क्योंकि वो ट्यूशन नहीं आया था। पिटाई के बाद नाबालिग की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मासूम की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। तो मथुरा से खबर सामने आई है, जहां पर एक नाबालिग की मौत के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल ये पूरा मामला कुछ इस तरह है कि टीचर ने 12 साल के बच्चे की पिटाई कर दी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक दिन ट्यूशन नहीं गया, और पिटाई इतनी बुरी तरह की गई कि नाबालिग की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, लेकिन जहां उसने दम तोड़ दिया। मासूम की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस भी छानबीन कर रही है। तो टीचर की पिटाई से नाबालिग की जान चली गई। ये बच्चा जो है ट्यूशन पढ़ने जाता था, अच्छा, गांव के ही केशव सनो श्यामवीर के वहाँ, अच्छा, उनके घर पे ही ट्यूशन के लिए जाता था। तो इसको दो तीन दिन पहले बुखार आया था, 29 तारीख से पहले, तो इसको इसके पिता ने दवा दिलवाई थी बाजार से, और दवा दिलवाने के बाद में जब ये दो तीन दिन नहीं गया तो उसकी एक महीने की फीस 25 तारीख को पूरी हो जाती है, तो फीस भी नहीं पहुंची। जब ये 29 तारीख को सुबह जाता है, जब थोड़ा सा आराम मिल जाता है इसको, तो वो जैसे ही जाता है तो उससे पूछता है कि भाई, हाँ भाई, ये तू दो तीन दिन क्यों नहीं आया था और फीस क्यों नहीं लेके आया? भाई, फीस तो पापा देंगे, पर दो तीन दिन मुझे बुखार आ गया था। कोरोना महामारी में स्कूलों का संचालन बंद होने की वजह से बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधाएं मुहैया कराई गई थी। कई बार इनमें कुछ शिकायतें भी सुनने को मिली। ऐसा ही कुछ मामला बरेली से सामने आया। बरेली में छोटे बच्चों के माता पिता ने बिशप कनॉट स्कूल पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि स्कूल वाले कोविड के चलते बच्चों को कोई सुविधा नहीं दे रहे। स्कूल वालों का कहना है कि बच्चों को अपनी जिम्मेदारी पर भेजिए, जिसकी वजह से माता पिता अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। अभिभावकों का कहना है कि बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन ही जारी रखी जाए। हम सभी पेरेंट्स ये चाहते हैं हमारे बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस ही शुरू किए जाएं, ऑफलाइन क्लासेस की स्कूल वाले हम पर दबाव बना रहे हैं कि आप अपने बच्चों को भेजिए। लेकिन अब सोचिए, आप तीसरी लहर कोरोना की चालू हो चुकी है, सारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, हम अपने बच्चों को लेकर नहीं भेज सकते, और हमसे कंसर्न लेटर की मांग की गई है स्कूल से कि आप अपनी जिम्मेदारी पर बच्चों को स्कूल भेजें। तो हमारी मांग ये है कि जो पेरेंट्स कंसर्न लेटर के लिए एग्री करते हैं तो वो उनके लिए स्कूल चलाएं और उनके लिए बच्चे को भेजते रहें। लेकिन हम जितने पेरेंट्स
नहीं चाहते स्कूल भेजना बच्चों को, उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस ही जारी रखें और ऑनलाइन परीक्षाएं कराई जाएं। समस्या ये है कि ये लेटर है, आप जैसे ये देख सकते हैं, ये लेटर है, इसमें लिखा हुआ है कि माँ बाप अपनी जिम्मेदारी पे बच्चों को भेज रहे हैं। हम अपने कंसर्ट लेटर है, इस पे हम अपनी जिम्मेदारी पे बच्चों को भेज रहे हैं। क्लासरूम में 25 बच्चे बैठे हैं, 25 बच्चों को बैठा रखा है और हम लोगों को बोल रखा है कि आप जिम्मेदारी लें। स्कूल में इन्फेक्शन हो रहा है, अभी पता चला, मुझे आज पता चला कि एक बच्चे को कोरोना हो गया था, फीवर आ रहा था, उसको घर भेज दिया गया है और हमसे कहा जा रहा है कि आप जिम्मेदारी लें। स्कूल की टीचर्स, स्कूल के वर्कर्स और ऑटो में जहां बच्चा जा रहा है उनको, जिसको जो प्रॉब्लम हो रही है हमें तो पता नहीं चल रहा है, और हम अपने बच्चे को अपनी जिम्मेदारी पे स्कूल भेजें, सैनिटाइजर दे के भेजें। प्रॉब्लम ये है कि जो पहले ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, अब जो स्कूल खुले हुए हैं तो उसमें क्या है कि स्कूल में ये ऑनलाइन क्लासेस हमारे बच्चों की बंद कर दी है, और ऊपर से कह रहे हैं कि हम मतलब कि एक लेटर दे रहे हैं कि आप अपने पेरेंट्स अपने मर्जी से अपने बच्चों को स्कूल भेज सकती हैं। तो बताइए, जब हम अपने मर्जी से स्कूल भेजें, किस स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे? बिशप में पढ़ते हैं हमारे बच्चे। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे, आजकल अब तीसरी लहर चल रही है, सरकार बता दे रही है कि तीसरी लहर में बच्चे ज्यादा इन्फेक्टेड होने वाले हैं। स्कूल प्रशासन से बात की आपने जाके इस मामले में? हम क्या कहना है उनका? हमने मना कर दिया, उन्होंने मना कर दिया, वो हम अपने चैम्बर से निकल गए। हम चाहते हैं कि हम जैसे पहले ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, हमारे बच्चों को वही सुविधाएं दी। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ।